हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले के रियल क्रिकेट 21 गेम आपको कब तक देखने को मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। और साथ में मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं कि क्या इसमें कैरियर मोड आएगा या फिर नहीं, तो ये भी जो है आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। और साथ में बताने वाला हूं कि कब तक ये जो गेम है वो आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मंथ तक बनेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबसे पहले आपका मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको ये पहले से कंफर्म करके बता रहा हूँ कि इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिलने वाला है। 110% कंफर्म है कि आपको रियल क्रिकेट 21 या 22 जो भी गेम आने वाला है इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिलेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में गेम आ गई, यानी कि जैसे ही गेम लॉन्च होगा, वहां पर आपको कैरियर मोड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में जो भी इसके अपडेट आएंगे, लाइक जून तक चांसेस पूरे पूरे लग रहे हैं कि यहाँ पर इस गेम के अंदर आपको जो है वो कैरियर मोड पक्का देखने को मिल जाएगा आपको इस गेम के अंदर। तो मैं आपको यहीं से कंफर्म करा रहा हूँ कि इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब स्टार्टिंग में गेम आएगा, जब भी यहाँ पर लाइक जब भी गेम लॉन्च होगा, तो उस अपडेट के अंदर वहाँ पर आपको जो है वो वहाँ पर कैरियर मोड वगैरह देखने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब यहाँ पर गेम लॉन्च होगा तो बीटा वर्जन में लॉन्च होने वाला कुछ यहाँ पर तीन से चार स्टेडियम उस गेम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड कुछ यहाँ पर क्विक प्ले मैचेस यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला, बाकी कोई भी यहाँ पर इस गेम के अंदर स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर जैसे आगे फ्यूचर में अपडेट आते जाएंगे, इस गेम के अंदर बढ़िया बढ़िया फीचर ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर कैरियर मोड भी इस गेम के अंदर आपको पक्का देखने को मिलने वाला। जून तक चांसेज है कि इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड पक्का देखने को मिल जाएगा इस गेम के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो गेम आपको कब तक देखने को मिलने वाला प्ले स्टोर के ऊपर। बहुत सारे यूट्यूबर आपको वीडियोज बनाकर बता रहे हैं कि नवंबर में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, एंड ऑफ नवंबर में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन मैं आपको यहीं से कंफर्म करके बता रहा हूँ, 15 से 20 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि यहाँ पर नवंबर के मंथ में इसका कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप किसी भी यूट्यूबर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पर बोल रहा है कि नवंबर के मंथ में इसका अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई बोल रहा है कि नवंबर के मंथ में इसका फर्स्ट लुक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नवंबर के मंथ में इसका कोई भी फर्स्ट लुक या फिर यहाँ तक इसका अनाउंसमेंट भी देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पर नवंबर के मंथ में। इसका जो भी कुछ होने वाला है दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ में, यहाँ पर पक्का जरूर से जरूर इसका अनाउंसमेंट या फिर ट्रेलर या फिर फर्स्ट लुक जरूर से जरूर देखने को मिलेगा दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ में। एंड गेम जो आपको फरवरी या फिर मार्च के मंथ, इन दो मंथ के अंदर आपको जो वो गेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। मेरे कहने का मतलब है कि मार्च तक आपको ये जो गेम है वो प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड रियल क्रिकेट 21 नहीं आने वाला है यहाँ पर, रियल क्रिकेट 22 ही आने वाला है। एंड यहाँ पर रियल क्रिकेट 21 बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर रियल क्रिकेट 22 आने वाला है। एंड मार्च तक पूरे पूरे चांसेज है, 110% कन्फर्म हो कि यहाँ पर मार्च तक ये जो गेम है वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। तो इताज का वीडियो के यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।